एक इंसान जो प्लेन उड़ाते टाइम एक तूफान में फंस जाता है और वो पहुंच जाता है भविष्य में, और वहां पर उसे भविष्य के वो नजारे देखने मिलते हैं जो आने वाले 4 साल बाद सच साबित होते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम ट्रेवल की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। कैसे एक इंसान टाइम ट्रेवल करके भविष्य में गया और अपने समय में लौट कर वापस आया, और जब उसने अपने साथियों को ये पूरी बात बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, जिसे हम सभी लोग असंभव मानते हैं, लेकिन मन ही मन हर कोई एक न एक बार टाइम ट्रेवल जरूर करना चाहता है। कोई अपने बचपन में जाना चाहता है, तो कोई अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलना चाहता है। सोचिए अगर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ने टाइम ट्रेवल को संभव बना दिया तो इंसानों की जिंदगी कितनी ज्यादा बदल जाएगी। इसका अच्छा इस्तेमाल तो होगा ही होगा, साथ में इसका गलत इस्तेमाल भी जरूर होगा। खैर, इस्तेमाल गलत होगा या सही ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बिना वक्त को जाया किए शुरू कर देते हम आज का फाड़ू वीडियो। फ्लाइट टू द फ्यूचर। बात 1935 की है, जब वेक्टर गॉडेट नाम का एक पायलट आसमान में अपने प्लेन में उड़ान भर रहा था। वेक्टर इंग्लैंड के रहने वाले थे। रास्ते में वो एक टूटे फूटे एयरफील्ड के ऊपर से निकले। ये काफी पुराना एयरफील्ड था जो काफी हद तक एक जंगल में तब्दील होता जा रहा था। वहाँ का रनवे पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वहाँ पर कोई भी जहाज भी नहीं था। विक्टर अपने विमान हॉकर हॉट की टेस्टिंग कर रहे थे और उन्होंने अपनी उड़ान की शुरुआत स्कॉटलैंड से की थी, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने अपना रेगुलर रास्ता बदलकर एक नए रास्ते से जाने का फैसला किया जो एडिनबर्ग शहर के काफी करीब से गुजरता था। और यहीं पर रास्ते में उनको ये टूटा फूटा पुराना एयरफील्ड भी नजर आया था। करीब एक हफ्ते बाद वेक्टर अपने घर वापस लौट रहे थे और उन्होंने घर वापस लौटने के लिए वही रास्ता चुना जिससे वो आए थे। जब वो उसी रास्ते से वापस जा रहे थे जिससे वे आए थे, तो उन्हें फिर से वही एयरफील्ड दिखाई दिया, लेकिन इस बार मौसम काफी ज्यादा बदला हुआ था। खराब मौसम के कारण उनका जो प्लेन था वो तूफान में फंस गया। तूफान इतना ज्यादा तेज था कि उनके विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया और अचानक उनका विमान नीचे गिरना शुरू हो गया। लेकिन विक्टर काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कंडीशन को संभाला और अपने प्लेन को उस तूफान से बाहर निकाल लिया। वो उस तूफान से काफी ज्यादा आगे जा चुके थे, लेकिन जब उन्होंने नीचे नजर डाली तो वो फिर से उसी एयरफील्ड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। अब ये चीज काफी सोचने वाली है, क्योंकि जब उनका तूफान से सामना हुआ था तब भी वो उसी एयरफील्ड के ऊपर उड़ रहे थे, और करीब 20 मिनट मशक्कत करने के बाद जब वो तूफान से बाहर निकले तो उन्हें उस एयरफील्ड से काफी ज्यादा आगे निकल जाना था। इस चीज ने उन्हें काफी परेशान कर दिया। उन्होंने नीचे उस एयरफील्ड पर जब नजर डाली तो वो चौंक गए, क्योंकि इस बार वो एयरफील्ड काफी अलग था। वो बिल्कुल नया लग रहा था और वहाँ पर 4 प्लेन भी खड़े हुए थे। उन सभी प्लेन्स का रंग येलो कलर का था, जबकि 1935 में सारे प्लेन्स का कलर गवर्नमेंट की तरफ से सिल्वर डिसाइड किया गया था। और उस एयरफील्ड पर केवल प्लेन ही नहीं, वहाँ पर आसपास मैकेनिक्स भी घूम रहे थे जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर विक्टर को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय रॉयल एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का कलर ब्राउन हुआ करता था। एयरफील्ड पर खड़े 4 प्लेन में से एक प्लेन का मॉडल काफी अजीब और एडवांस था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे उनका प्लेन आगे बढ़ता गया, वो एयरफील्ड पीछे छूटता गया, और जैसे ही वो एयरफील्ड पीछे छूटा फिर से उनके प्लेन को एक तूफान ने घेर लिया। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से तैयार थे और वो तूफान से काफी आसानी से बाहर निकल आए। जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे, उन्होंने ये पूरी घटना अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताई, लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। 1975 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था फ्लाइट टुवर्ड्स रियलिटी। उसमें उन्होंने ये सारी बातें काफी डिटेल में बताई, और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि करीब 4 साल बाद, मतलब 1939 में, रॉयल एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का कलर ब्राउन से चेंज करके ब्लू कर दिया गया, और साथ ही प्लेन का कलर भी सिल्वर से येलो में चेंज कर दिया गया। और साथ ही साथ एयरफोर्स में एक नए प्लेन को शामिल किया गया जिसका नाम था मजिस्टर, और ये नया एडवांस प्लेन मजिस्टर बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि विक्टर ने अपनी उड़ान के दौरान उस एयरफील्ड पर देखा था। तो क्या विक्टर ने उस तूफान में फंसने के बाद किसी तरह की समय यात्रा की थी? क्या वो भविष्य में 4 साल आगे चले गए थे? इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं जो कि ये बताते हैं कि लोग समय यात्रा करते हैं। कई लोग भविष्य से भूतकाल में गए, अपनी चीजें छोड़ गए, और कई बार भविष्य यात्रियों ने वर्तमान में आकर भविष्य के बारे में काफी सारी चीजें बताई। लेकिन जितने भी प्रूफ इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, बाद में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो फेक पाए जाते हैं। लेकिन विक्टर ने अपनी किताब में जो बातें बताई हैं वो झूठ नहीं लगती। और ये पहली ऐसी घटना नहीं है जहां पर किसी व्यक्ति ने भविष्य की यात्रा की हो। न्यूयॉर्क में 1950 में भी ऐसी घटना हो चुकी है जहां पर एक व्यक्ति ने अनजाने में भविष्य की यात्रा की, लेकिन उसका अंजाम काफी बुरा हुआ।
बात है जून 1950 की। न्यूयॉर्क के एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को सड़क के बीचों बीच खड़ा पाया। पुलिस वाला ये समझ नहीं पा रहा था कि वो इंसान सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा हुआ है। वो व्यक्ति कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था, आसपास की चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो पहली बार यहाँ पर आया हो। पुलिस वाला उस व्यक्ति के पास जा ही रहा था तभी अचानक एक तेज आती कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने छानबीन की तो उसकी जेब में कुछ चीजें मिली जो थी पुराने जमाने के कुछ सिक्के, एक कार्ड जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंस, और एक लेटर भी मिला जो कि जून 1876 में भेजा गया था। जब रुडोल्फ फेंस नाम के व्यक्ति की जांच की गई तो जांच से पता चला कि ये व्यक्ति 1876 में लापता हो गया था और लापता होने वाले की उम्र करीब 29 साल थी और जो व्यक्ति सड़क पर मिला था वो भी करीब 29 साल का ही था। चौंका देने वाली बात ये थी कि 29 साल पहले जो व्यक्ति गुम हुआ था उसके डिटेल्स बिल्कुल इस व्यक्ति से मेल खाते थे। वैसे तो इस केस को बंद कर दिया गया था लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये वही व्यक्ति था जो 29 साल पहले गुम हो गया था, या वो व्यक्ति कभी गुम हुआ ही नहीं था, उसने जाने अनजाने में समय यात्रा की और भविष्य में आ गया। ये दोनों घटनाएं जो मैंने आपको बताई, इन दोनों घटनाओं की जांच पुलिस ने खुद की थी और इन दोनों इंसिडेंट को बहुत सारे रेपुटेटेड इंटरनेशनल न्यूज जर्नलिस्ट ने भी कवर किया था और कहीं से भी इन दोनों घटनाओं के फेक होने का कोई प्रूफ नहीं मिला। ये बात सच है कि कभी भी कोई हायर अथॉरिटी समय यात्रा ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ये दोनों घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ऐसी कोई शक्ति है जिसके द्वारा इंसान जाने अनजाने में समय यात्रा कर सकता है। क्योंकि आने वाले भविष्य में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये संभव है कि इंसान समय यात्रा को पॉसिबल बना ही लेगा, और इतिहास में भी ऐसे कई बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जहां पर समय यात्रा की कोशिश की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इंसान का समय यात्रा कर पाना संभव है? तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, देखने में मजा आया है तो इसको लाइक जरूर करना। हम क्रॉस करने वाले हैं 1 मिलियन को, करने ही वाले हैं, 20-30 हज़ार बचे हैं, तो यार सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।